जीती जागती सलावत पढ़ते हैं आप हजरात। जाहिर है कि ख्वाहिशात और लोगों के हुक्म उसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। बज़ाहिर मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ जितने बड़े यहाँ शुआरा बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हजरात के जहन आलिया तक चंद अशआर मैं नफीस हल्लोरी साहब की इस किता से आगाज करता हूँ, सुरबाई से, कि झोलियाँ सबकी भर रही है मगर, झोलियाँ सबकी भर रही है मगर देने वाला नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर रही है मगर देने वाला नजर नहीं आता, और जिसका साया है सारे आलम पर उसका साया नजर नहीं आता। ऐसे नहीं समाप्त करना, ऐसे समाप्त करना जैसे लगे कि आप खुशी के माहौल में बैठे हैं, एक शादी में बैठे हुए हैं जहां हर एक के चेहरे से खुशियां उभर रही हैं। जाहिर है कि माहौल जब ऐसा और तस्करे ऐसे हो जाए तो हर एक चेहरे से खुशियां नमूदार होती रहती है, ऐसे नमूदार होती है जैसे तारीखियों के सीने को चाक करके आफ्ताब अपनी रोशनी को पूरे जहान पे छा देता है। ऐसे अपने चेहरों के रखिए, बिल्कुल बशाच रखिएगा कि देने वाला नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर रही है मगर देने वाला नजर नहीं आता, और जिसका साया है सारे आलम पर उसका साया नजर नहीं आता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मैं यहाँ एक कलाम पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला शोरा सिलसिलेवार आप हजरात के रूबरू होंगे। कि एक मिसरा हुआ था कि अब तो गैबत का पर्दा उठा दीजिए, अब तो गैबत का पर्दा उठा दीजिए, कि मुझको तौफीक मौला सेवा दीजिए, मुझको तौफीक मौला सेवा दीजिए। कसीम रिजवी साहब, मुझको तौफीक मौला सेवा दीजिए, मिसल देबल के शायर बना दीजिए, मिसल देबल के शायर बना दीजिए। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो मेरा शेर समझ ना पाए, आज समझा के रहूंगा मैं। मुझको तौफीक मौला सेवा दीजिए, मिसल देबल के शायर बना दीजिए, और जुल्म की हुक्मरानी है चारों तरफ। बशारत भाई, जुल्म की हुक्मरानी है चारों तरफ, मसनद अदल हरसू बिछा दीजिए, मसनद अदल हरसू बिछा दीजिए, और अपने चेहरे के खुर्शीद के नूर से, अपने चेहरे के खुर्शीद के नूर से बुग्जो कीना हसद को मिटा दीजिए, बुग्जो कीना हसद को मिटा दीजिए। और ये खासतौर से तस्मीन का शेर देखिएगा कि अब तो गैबत का पर्दा उठा दीजिए। आमतौर से ये होता है कि मौला आएंगे, बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, तलवारें चलेंगी, लोगों को ऐसा महसूस होता है मौला जब आएंगे तो सिर्फ खूनरेजी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ जालिमों को सजा मिलेगी। जब मौला आएंगे तो होगा क्या कि अदलो अदलो अमनो अमानो सुकून के लिए, अदलो अमनो अमानो सुकून के लिए अब तो गैबत का पर्दा उठा दीजिए, अदलो अमनो अमानो सुकू के लिए अब तो गैबत का पर्दा उठा दीजिए। और ये शेर बतौरे खास अजीम साहब नफीस भाई ये शेर देखिएगा कि बोले ईसा पढ़ाऊं मैं कैसे नमाज, सावन भाई बोले ईसा पढ़ाऊं मैं कैसे नमाज, आप हैं इब्ने जहरा पढ़ा दीजिए। जिस शेर को ऐसे नहीं समाप्त करते तो यकीन मानिए कि बोले ईसा पढ़ाऊं मैं कैसे नमाज, आप हैं इब्ने जहरा पढ़ा दीजिए, और खुल्द में बैत महबूब का भी बने, खुल्द में बैत महबूब का भी बने, अपनी अपनी मिदहत का इसको सिला दीजिए। नारे सलवा नारे सलवाद और गुजारिश है शोराए कराम से कि वक्त का ख्याल रखते हुए। जी जी 10 मिनट आप पढ़िए, जनाब हानी अल्लोरी साहब बाबा।